गिरकर जमीन में अर्थात साष्टांग प्रणाम करें, गिरकर प्रणाम करें, पूरे लेटकर प्रणाम करें। क्यों? कि मैया अरे जी हमारी मैया मरी जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मरे जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मैया मरे जी तुम्हारी। जय हो अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी, बंदे तम मैया हमने आपको वंदना की है। कैसी वंदना की है? कि बुद्धि निर्मल दो। और कैसी बुद्धि? निर्मल मन जन सो मोई पावा, निर्मल मन सो मोई छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन निर्मल मन। हे मैया बुद्धि कैसी दो? निर्मल दो। क्यों? विद्या गायनी मात भगवती, विद्या गायनी मात भगवती, विद्या गायनी मात भगवती, विद्या गायनी मात भगवती, तन मन धन भगवती, तन मन धन देवी भगवती। हे मैया तू विद्यादायिनी है और तेरी विद्या के द्वारा यह तन मन धन सब कुछ मिलता है, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। कैसी? अरे जी हमारी मैया मरे जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मैया मरे जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मैया मरे जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मैया मरे जी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि अगर मन में मनोबल बना रहा तो सब काम हो जाएगा। क्यों महाराज जी? अगर मन में मनोबल बना रहा, मन ठीक रहा, मन पर काबू पा लिया, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, मन को काबू में पा लिया। और कल गा रहे थे ये मन बड़ा चंचल, गा रहे थे कल ये मन पर काबू पाना, इसलिए माँ शारदा तेरी कृपा से ही हो पाएगा। और मन में ही ब्रह्मा का वास है और मन में ही चंद्रमा का वास है। मन में ये चंद्रमा का वास है, ये चंचल मन है, इसलिए माता सरस्वती हम आपसे विनती करते हैं। अष्टाक्षर मंत्र से अगर पूरी विनती नहीं आवे तो अष्टाक्षर मंत्र से ओम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, ओम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, ओम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। जरा बोलो ओम ओम ह्रीम ह्रीम सरस्वती सरस्वती स्वाहा स्वाहा। कलम हो तो लिख सकते हो भी अपने पास। ये मंत्र ऐसे हैं कि समय समय पर याद आते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। और फिर पूछते हैं महाराज जी दो मिनट दे दीजिए, हमें आपसे पूछना चाहते हैं।
लेकिन दो मिनट मिल ही नहीं पाती है। महाराज जी व्यस्त रहते हैं, आप भी व्यस्त रहते हैं, जब आप तो फुर्सत हैं तो समय हमारे पास नहीं है, हमारे पास है तो आपके पास नहीं है, वो दो ही मिनट नहीं मिल पाती। इसलिए कभी कथा सत्संग में जाओ, भागवत में जाओ, तो डायरी पेन जरूर लेके जाओ। पता नहीं कि कौन सी बात हमें अच्छी लगी, उसे नोट करना चाहिए, और बाद में फिर भूल जाते हैं। स्मरण शक्ति है, इसे लिखना चाहिए। ओम ओम श्री श्री हरी हरी सरस्वती सरस्वती स्वाहा स्वाहा। अब इसमें श्रीम जुड़ गया, श्रीम जुड़ने से यह माया बीज मई सरस्वती हो गई। श्रीम श्रीम अर्थात श्री है लक्ष्मी का। ओम श्रीम हरीम सरस्वती स्वाहा। मैया आप इस मंत्र के साथ लक्ष्मी भी दोगी। श्रीम हरीम सरस्वती स्वाहा, तो श्रीम को लगने से वह शक्ति मिल जाती है, लक्ष्मी दायिनी बन जाती है। और स्वाहा, स्वाहा तो आचार्य जी मंत्र बोलते हैं ना अग्निदेव के लिए, हमारे भगत जी मंत्र बोलते हैं, आप मंत्र बोलते हैं, सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वाहा। अग्नि में स्वाहा करते हैं, अग्नि में स्वाहा। लेकिन यहां पर मंत्र जपने में स्वाहा है। स्वाहा का मतलब है समर्पण। स्वाहा का मतलब क्या है? समर्पण। स्वाहा का है मतलब समर्पण, समर्पण करना। तो श्री मेरी सरस्वती स्वाहा अर्थात सरस्वती के लिए समर्पण, सरस्वती के लिए समर्पण। बड़ी प्रार्थना है, विनती है हमारी, इसलिए इस विनती को स्वीकार करो सज्जनों, कि आप थोड़ी देर माता सरस्वती का मंत्र बोलें। सभी हम भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे। अगर दुर्गा सरस्वती हाथ में है तो उसको हाथ में लेकर बोलिए, और अपने पास नहीं है तो ध्यान करके बोलिए माता सरस्वती का। ओम श्री ह्री सरस्वती स्वाहा। अगर इस मंत्र को माला से जपेंगे ना तो केवल एक बार में ओम लगाएंगे, केवल एक बार, पहली बार, उसके बाद श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। माला पूरी होने पर फिर ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। पहली बार में तो ओम श्री ह्रीम सरस्वती स्वाहा लगातार बोलना है, तो श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। आइए थोड़ी देर इसी मंत्र को बोलेंगे। ओम श्री ह्रीम सरस्वती स्वाहा। ओम श्री ह्रीम सरस्वती स्वाहा। श्री ह्री 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 सरस्वती स्वाहा। कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सरस्वती स्वाहा, सरस्वती नहीं है, सरस्वती तो हिंदी का शब्द है, लेकिन सरस्वती
आदो त य और य पे ब एक ही मात्रा है सरस्वती जैसे चामुंडाए चामुंडाए में दो मात्रा सरस्वती बोलेंगे ना सर स्व दई सर स्व दई ओम श्री हरी सरस्वती स्वाहा श्री हरी सरस्वती स्वाहा श्री हरी सरस्वती स्वाहा श्री हरी सरस्वती स्वाहा श्री श्री ह्रीं सरस्वती श्री ह्रीं सरस्वती श्री ह्रीं श्री ह्रीं सरस्वती 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 सरस्वती स्वाहा याद हो गया जिनको याद हो गया बहुत अच्छी बात और याद नहीं हुआ है वो याद करना चाहे तो कर लेना ये काम आएगा श्री हरि सरस्वती स्वाहा ये ओम तो प्रणव है ओम प्रणव है बीज मंत्र नहीं है ओम सरस्वती के में लेकिन प्रणव को जैसे श्रीमान जी सर जी श्रीमती जी कुमारी जी कुमार साहब मान्यवर ये एक मंत्रों में प्रणव और इस प्रणव में तीनों देवता वास करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणव के अंदर कहते हैं ना कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ब्रह्मा विष्णु सहस्र जानत अविवेका और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक एक है। अभी किताब पढ़ो मती पढ़ने के लिए अभी समय देंगे आपको अभी रखो अपने पास। हाँ बोल सरस्वती मैया की जय। आज माता सरस्वती का यह मंत्र बहुत प्यारा है इसे भगवान शिव ने गौतम ऋषि को दिया था इस मंत्र को और 4 लाख जप करने के बाद माता सरस्वती उस व्यक्ति को सिद्धि प्रदान कर देती है इस मंत्र से श्री हरि सरस्वती स्वाहा। आदरणीय सूर्य महाराज सोनिका ऋषि को बता रहे हैं कि भगवान श्री नारायण ने नारद जी को जब ये बताया तो नारद जी बोले महाराज आप माता भगवती के इस पावन मंत्र में जो आप बता रहे थे तो प्रभु आप मुझे माँ का कवच बताएं। कवच क्या है अब आपको कवच भी सुना रहे हैं सुनिए मैया का कवच। ये कवच धारण करने से माता शारदा रक्षा करती है। कैसा कवच है ये वही कवच है जो कवच प्रभु श्री नारायण ने शंखचूर्ण से वापस मांग लिया था वही कवच है ये रक्षा करने का। आदरणीय सज्जनों जो व्यक्ति कवच को धारण करके माँ देवी का सरस्वती का जप करता है उसका तो कहना ही क्या। ओम ह्रीं सरस्वती स्वाहा श्रीमे पातु सर्वतः सिर पर हाथ रखें सभी। ओम श्री बाग देवताए स्वाहा भालम में सर्वतः माथे पर हाथ रखें। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाएं। ओ
श्री ह्रीं भगवते स्वाहा। नेत्र अपने अपने आंखों पर रख लिया हाथ, नेत्र युग्मम, ये नेत्र दोनों है ना, इन पर हाथ रख लिए नेत्र। श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा नेत्र सुधावतु। ओम ह्रीं वाग्धन्यै स्वाहा नाशा। हा, नाक पर हाथ रख लिए, नाशा में सर्वदा आवतु। ओम ह्रीं विद्या अधिष्ठात्री देव्यै स्वाहा। इस मंत्र से दोनों होठ, होठों पर हाथ रख लिए। ओम श्रीं ह्रीं ब्राह्मी स्वाहा। ये दांतों पर हाथ रख लीजिए और देख लो दांत कितने मजबूत हैं और गुटखा खाके कितने बढ़िया हो रहे हैं, तम्बाकू खाके कितने अच्छे लग रहे हैं, अथवा बिना मांजे कितने गंदे हो रहे हैं, ये देख लो। दांतों को थोड़ा साफ किया करो, और गुटखा से बिगड़ जाती हैं और तम्बाकू खाने से गिर जाते हैं जल्दी, है ना। ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ब्राह्मी स्वाहा। दंत पंक्तौ सुधावतु, दांतों पर हाथ रखा। एवमे इत्येकाक्षरो मंत्रो मम कंठौ सुधावतु, कंठ पर हाथ रख लीजिए। क्या, क्या?